हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए हमारी बिटिया कितनी ज़्यादा बीमार हो गई है। आज हमको 15 दिन होने वाले हैं, हमारी बिटिया हॉस्पिटल में एडमिट है। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी बेटी की। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अचानक पेट दर्द और फीवर से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कंडीशन मेरी बिटिया की ख़राब है। इस साल हम बहुत सारी परेशानियों से गुजरे हैं, तो आप देख सकते हैं बेटी बहुत परेशान है। थोड़ा थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लगातार डॉक्टर लगे हुए हैं, ग्लूकोज बराबर चढ़ाया जा रहा है कि बेटी की तबीयत जल्दी से ठीक हो सके। बेटी का फीवर नहीं जा रहा है, फीवर उतारने के लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तरह तरह की एंटीबायोटिक भी दी जा रही है, लेकिन फीवर नहीं उतर रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा साल रहा है। इस साल हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारी 15 साल की बेटी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई है। पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा सुधार होने लगा है। देखिए बेटी हमारी अब थोड़ा उठकर बैठने लगी है। मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ, वीडियो शेयर कर देती हूँ कि बेटी की हालत में अब थोड़ा सुधार आ रहा है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि बेटी की तबीयत कैसी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए और आप लोग देख सकें कि बेटी की हालत में अब थोड़ा थोड़ा सा सुधार हो रहा है। लगातार फीवर नहीं आ रहा है, अब सुबह शाम फीवर आ जाता है, 7-8 घंटे के बाद आ जाता है, लेकिन आता है तो बहुत तेज़ आता है, 102 डिग्री के आसपास फीवर पहुंच जाता है। तो ये हम बाहर बरामदे में देखिए ग्लूकोज लगा हुआ है, क्योंकि कमरे में पड़े पड़े बेटी हमारी बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है। डॉक्टर हमें 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी कर देंगे और हम बेटी को लेकर घर चले जाएंगे। जो दवाइयाँ होंगी वो हम घर से चलाते रहेंगे।